लोग सुबह से पहले हाथ जोड़ रहे हैं। अगर हाथ जोड़ते हुए अगर बंदी नहीं कराएंगे बाहरी तत्व, तो झारखंडी लोग झारखंडी स्टाइल में जो है कि जवाब भी देंगे। इसलिए पूरा देखते हैं यहाँ पर लगातार ऑटो वगैरह को बंद कराने की कोशिश की जा रही है, नहीं चल रहा, ना दुकान ना बाजार ना गाड़ी ना घोड़ा, सब चीज एकदम पूरा बंद। अजय झारखंड बंद है ना, ये कुछ यात्रीगण मेरे ख्याल से हैं, आप यात्री हैं आप जी? क्या देवघर से आया हुआ हूँ, देवघर से जी। क्या कहना चाह रहे हैं? आज बंदी है तो मैंने तो बंदी का कोई असर नहीं देखा, हेमंत सरकार तो बढ़िया से चल रही है, इसीलिए ये बंदी के कहीं कुछ नहीं है, सरकार बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है, इसीलिए बंदी होने की संभावना ही नहीं है। 10 जून को चक्का जाम है, जाम है, जाम है। 10 जून को चक्का जाम है, जाम है, जाम है। 10 जून को चक्का जाम है, जाम है, जाम है। 10 ग्यारह जून को चक्का जाम है, जाम है, जाम है। 10 ग्यारह जून को चक्का जाम है, जाम है, जाम है। 10 ग्यारह जून को चक्का जाम है, जाम है, जाम है। 10 ग्यारह जून को चक्का जाम है, जाम है, जाम है। 10 ग्यारह जून को चक्का जाम है, जाम है, जाम है। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। 60-40 अन्याय चलता नियोजन नीति के खिलाफ 10 और 11 जून को झारखंड बंद का आह्वान झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा किया गया है। इसके मद्देनजर प्रशासन के तरफ से भी पूरी तैयारी है, भारी संख्या में जवानों की तैनाती विभिन्न चौक चौराहों पर किया गया है, लेकिन बेखौफ छात्र नेता आज सुबह तकरीबन 5 बजे से ही सड़क पर उतर गए, लेकिन इस बार छात्र नेताओं ने रणनीति को बदलते हुए बाजार बंद न कराकर निकल पड़े बस पड़ाव की ओर, और पहले सभी पहुंचे कदगरा बस स्टैंड, उसके बाद सरकारी बस स्टैंड और फिर उसके बाद ITI बस स्टैंड। छात्र नेताओं के द्वारा लगातार नारेबाजी की जा रही थी, आज झारखंड बंद रहेगा, किसी भी गाड़ी का परिचालन नहीं होगा। तो वहीं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो सरकारी बस स्टैंड के समीप सामने सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते दिखे और चल रहे ऑटो चालकों को वापस जाने की बातें करते नजर आए। लेकिन आपको तस्वीरों के माध्यम से हम आगे दिखाएंगे, आज सुबह सुबह छात्र नेता सड़क पर उतरे तो क्या कुछ हुआ और किसने क्या कहा। लेकिन सुबह सुबह का अभी समय है, गाड़ियों का परिचालन सड़क पर दिखा तो वहीं सब्जी मंडी और फल मंडी खुले दिखे। अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा बंदी का कितना असर दिखेगा यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो सूचनाएं आ रही है ग्रामीण क्षेत्रों में बंदी का असर सुनने को मिल रहा है। लेकिन वहीं राजधानी रांची की हम बात करें तो तस्वीरें बयां कर रही है कि सुबह 8 बजे तक का नजारा क्या है, इसके बाद बंदी का कितना असर रहा उन तस्वीरों से भी आपको हम अवगत कराएंगे। साथ ही आपको बताते चले विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस की भी तैनाती की गई है। तो वहीं रांची गलबट का चौक पर भारी संख्या में रैप IRB जयपुर जिला बल के जवानों की तैनाती की गई है। तो वहीं मौके पर कोतवाली DSP और कोतवाली थाना प्रभारी मौजूद दिखे। तो वहीं विभिन्न क्षेत्रों में सभी थाना अधिकारी सड़कों पे नजर आ रहे हैं। तो वहीं बस स्टैंड से निकलने के बाद पुलिस को चकमा देते हुए, हालांकि विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती है, उसके बावजूद भी लगातार छात्र नेता विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और उसके बाद पहुंचे नामकुम रोड में और वहां पे NH को किया जाम टायर जलाकर, तस्वीरें बयां कर रही है टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करते दिख रहे हैं छात्र नेता, और लगातार नारेबाजी की। 10 और 11 जून को झारखंड बंद है, चक्का जाम है, लगातार नारेबाजी करते दिख रहे हैं सभी छात्र नेता। तो वहीं सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी तस्वीरें आ रही है। तो जैसा कि आपको हमने पहले ही कहा कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा बंदी का क्या असर है वो देखने को मिलेगा। विष्णुगढ़, गिरिडीह, तमाम जगहों से तस्वीरें आ रही है, उन तस्वीरों को आप अपने स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। ये पहली तस्वीर जो आप अभी देख पा रहे हैं ये विष्णुगढ़ की है, जहां पे बंद समर्थक सड़क पर उतरकर NH को जाम किए, तो वहीं बाजार को बंद कराते नजर आ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कोतवाली DSP ने क्या कुछ कहा। तो वहीं जब सड़क पर उतरे छात्र नेता तो उन्होंने क्या कहा, और तो वहीं ठेला खोमचा वाले और बस चालकों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से।
वही अभी हम यहाँ पहुंचे हुए हैं रांची गलबेटे का चौक पे। यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, तो मौके पर मौजूद है कोतवाली डीएसपी, तो वहीं कोतवाली थाना प्रभारी। दो सब जानते हैं सर क्या कुछ तैयारी है आज? माइक वगैरह या थाना प्रभारी या हम लोग कुछ स्वयं भी मेन रोड में गश्ती कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का जबरदस्ती ना हो, और इसको देखते हुए हम लोग पूरी तरह अलर्ट हैं। नहीं, बस स्टैंड में एक सूचना था, लेकिन हम लोगों ने अभी बाकी बस स्टैंड वगैरह में भी जो है वहाँ पे अलर्ट किया हुआ है। हमारा लोकल थाना भी है और कुछ बल भी है वहाँ पे। कितने बल को तैनात किया जाएगा? अभी एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन हर जगह सफिशियंट है। यहाँ पे यदि हम बात करें अल्बर्ट टेक्का चौक पे कितने जवानों को तैनात किया गया है? यहाँ पे लगभग 50 बल तैनात है। आईआरबी और रेफ भी है हम लोग का, रैपिड एक्शन पुलिस जेप का जो है उसका भी है, बाकी एसआईआर भी है, जेप वन का भी है और जिला बल का भी है। ऐसे अभी तक कोई सूचना बंदी को लेकर के या कहीं तोड़फोड़ ऐसा कुछ? नहीं, अभी वैसा नहीं है, अभी हम लोग देख ही रहे हैं, गश्ती कर रहे हैं, मॉनिटरिंग हो रही है अभी हम लोग के लेवल से भी, चाहे सभी जगह से। यदि बंदी कराने लोग निकलते हैं तो क्या कुछ प्रधान तरफ किया जाएगा? उसको हम लोग रोकते हैं, या तो फिर जैसे होता है फिर उसको, नहीं तो हम लोग अरेस्ट करके अपना बैठाते हैं उसको। बिल्कुल पर्याप्त बल तैनात है। दो दिन झारखंड बंद है, दो दिन चक्का जाम है, दो दिन बस में चलतो, दो दिन ट्रक में चलतो, दो दिन गाड़ी में चलतो, कैसे लिया झारखंड 40। आइए, छात्र नेता देवेंद्र महतो यहाँ मौजूद हैं, लगातार बस स्टैंडों में पहुंच रहे हैं और लगातार बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र जी, आज सुबह से कितना बजे आप लोग निकले हुए हैं? सुबह 5 बजे हम लोग निकले हुए हैं और तमाम छात्रों का हम लोग टीम अलग अलग बनाए हैं, और सर्वप्रथम निकल के हम लोग तमाम बस स्टैंड, अभी हम लोग खतगड़ा बस स्टैंड हो, अभी जो बस डिपो सरकारी वाला हो, ध्रुवा बस स्टैंड हो, आईटीआई बस स्टैंड हो, सभी जो बस स्टैंड है जो जिला को जोड़ता है उसको हम लोग जाके नम्र निवेदन करते हुए हाथ जोड़ के कहे हैं कि दो दिन बस नहीं चलतो, दो दिन गाड़ी नहीं चलतो, क्योंकि झारखंड में 60-40 चल रहा है। और सभी बस एसोसिएशन ने स्वेच्छा से समर्थन करते हुए सब देखिए लाइन से गाड़ी को बंद कर दिए हैं, सभी ने गाड़ी बंद कर दिया है, पूरा एक भी बस नहीं चल रहा है, और पूरे दुकान बंद है, पूरा सड़क जाम है, पूरा झारखंड बंद है, और पूरे झारखंड प्रदेश में निकाल रहे हैं ऐसा। और मैं आज पुनः सुबह से जितने भी दुकानदार समिति है, बाजार संघ है, बस एसोसिएशन है, ट्रक एसोसिएशन है, हम गुलाब फूल देके संवैधानिक तरीके से निवेदन करते हैं कि राज्य के छात्र महासंकट पे हैं, पूरी तरह स्वेच्छा से बंद करके बंदी को सफल बनाने में सहयोग कर। दो दिनों तक क्यों बंद करवा रहे हैं? इसीलिए बंद करा रहे हैं क्योंकि राज्य में 60-40 के तहत राज्य के गरीब किसान मजदूर जिसके लिए झारखंड बना है उसका हक का हनन, हक अधिकार का हनन हो रहा है, और हम लोग नहीं चाहते हैं दूसरों को परेशान करना। हम लोग मजबूर हैं, हम लोग बाध्य हैं, सरकार हमारी बात को नहीं मान रही है, लगातार हम लोग कई आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है सरकार हमारी मांग को नहीं मान रही है, इसलिए हम लोग पूरे झारखंड को जो है कि दो दिन चक्का जाम करा रहे हैं, और पूरे झारखंड प्रदेश में जो है कि जितने भी बस स्टैंड है कोई जिला का जोड़ने वाला बस नहीं चल रहा है, पूरा झारखंड बंद है, संपूर्ण झारखंड बंद है, पूरा सब बंद है, कोई गाड़ी नहीं चलेगा, पूरा झारखंड का चक्का जाम है, पूरा टोटल बंद, तो बंद कुछ नहीं चल रहा है, ना दुकान, ना बाजार, ना गाड़ी, ना घोड़ा, सब चीज एकदम पूरा बंद, अजय झारखंड बंद है ना, झारखंड
है कि शोषण का अंतिम स्थिति पे है, एकदम अति हो गया है, अत्याचार का, जुर्म का, हक अधिकार का हनन का। अब बताइए, यहाँ का नौकरी अगर लूट लिया जाएगा हम लोग करेंगे क्या? हम लोग मजबूर हैं, हम लोग परेशान हैं, हम लोग जो है कि मजबूरी में हम लोग आज सड़क पर उतर के बंद कराना पड़ रहा है। अभी निकलेंगे मेरे छात्र निकलेंगे, और इस बार यदि हम बता रहे हैं ना, जब जब हम लोग जो भी आंदोलन किए हैं ऐतिहासिक सफल हुआ है, और सुबह से क्यों बंद नहीं रहेगा, क्योंकि राज झारखंड के लिए क्यों बना है ये राज, इस राज का गठन क्या हुआ है, 3.5 करोड़ जनता का प्रश्न है, पूरे ओपन फॉर ऑल कर दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग सुबह से पहले हाथ जोड़ रहे हैं, अगर हाथ जोड़ते हुए अगर बंदी नहीं कराएंगे बाहरी तत्व, तो झारखंडी लोग झारखंडी स्टाइल में जो है कि जवाब भी देंगे। इसलिए पूरा देखते हैं यहाँ पर लगातार ऑटो वगैरह को बंद कराने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे बंदी को लेकर के, जितना अभी हालांकि लोग आए थे, तो क्या गाड़ियाँ बंद रहेंगी अब? हाँ, हमें आधा गाड़ी बंदी है। कहाँ की गाड़ी है? हमारी गाड़ी गिरिडीह से बंद है, गिरिडीह गाड़ी बंद है। हाँ, बंद है। और भी कोई गाड़ी यहाँ से चल रही है अभी? उसका जानकारी नहीं, बहुत कम ही गाड़ी चल रही है, टाटा गाड़ी जा रही है। टाटा गाड़ी चल रही है। हाँ, मतलब आप लोग समर्थन दे रहे हैं? हाँ, देना ही पड़ेगा समर्थन, यहाँ रहना है तो। ये गाड़ी कहाँ से चल रही है? टाटा जाएगी। टाटा हाँ। तो बंदी का कोई मतलब ये नहीं है? असर तो दिख रहा है, असर तो दिख रहा है हल्का पुल्का में। हाँ, पेट देखिए ना सर, 7 महीना तो ऐसे कोरोना काल में हम लोग झेल चुके हैं, अभी डेली बंदी क्या करेंगे बताइए? हम लोग तो डेली कमाने वाले हैं, यहाँ कोनो हम लोग का तो महीना नहीं है कि तनख्वाह मिलेगा। यहाँ आज कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो कल कमाएंगे तो वो अलग हिसाब है। बंदी नेता लोग अपना सुविधा के हिसाब से करता है, और क्या बोले। बंदी से नुकसान है नहीं, हम लोग का डेली कमाने वाला का नुकसान नहीं है, आप ही बोलिए। डेली कमाने वाला आदमी को तो नुकसान ही ना है। क्या आप क्या करते हैं? हम हॉकरी करते हैं, चिल्लाते हैं टाटा बैठिए, और क्या बोलते हैं। हालांकि जो लोकल गाड़ियां हैं, जो टाटा वगैरह जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं, ऐसा कि लगातार ये ड्राइवर करते नज़र आ रहे हैं, और तस्वीरें बयां कर रही है, आप देख सकते हैं अभी एक टाटा की बस यहाँ से सरकारी बस डिपो से निकल रही है। हालांकि बंद समर्थक यहाँ पर आए थे तो कुछ देर के लिए गाड़ियाँ रुक गई थी, लेकिन जैसे ही यहाँ से सभी निकले और ये गाड़ियाँ फिर से अब आगे की तरफ बढ़ रही हैं। कुछ देर पहले यहाँ थाना प्रभारी भी आए थे और पीसीआर की गाड़ी भी पहुँची, तब तक यहाँ से बंद समर्थक आगे की ओर बढ़ चुके थे। पर आज दिन भर आज देखने वाली बात होगी कि बंदी का कितना असर रहा। हालांकि बंद कराने वाले इस वक्त यहाँ पे सरकारी बस डिपो पहुँचे हुए थे और काफ़ी हंगामा हुआ यहाँ पे, तस्वीरें बयां कर रही है, और हालांकि मौके पर थाना प्रभारी पहुँचे हुए हैं और फिर सभी गाड़ियां आप देख रहे हैं फिर से अभी चलने लगी है। पीसीआर भी यहां मौके पर पहुंच चुका है, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। हालांकि वो सुबह सुबह आए और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए कुछ गाड़ियों को उन्होंने रोका और फिर आगे की तरफ बढ़ गए। हालांकि विभिन्न बस स्टैंडों में ये सभी बंद समर्थक पहुँच रहे हैं और बंद कराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम क्या करें, हम लोग करने से हम लोग को करना पड़ेगा। दुकान खुला हुआ है? हाँ, दुकान खुला हुआ है। नहीं, जबरदस्ती कोई बंद नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई बंद कराने आया भी नहीं। हाँ, वो तो है, चिल्लाइए रहा था, हम लोग बंद नहीं किए तो बोला नहीं है। जिस तरह से लगातार लोग बंदी के लिए निकल रहे हैं, ये 2 दिन के लिए बंदी का आह्वान किया गया है, तो ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बंदी करवाएंगे, गरीब दुकानदार ठेला वाला ये सब कहाँ जाएंगे, भूखा मरेंगे। इसलिए अभी कोई आया नहीं बंद कराने के लिए, ऐसे ही। हाँ, आप लोग आए थे बस, आके जा रहे हैं। वो लोग भी नहीं आए थे, हम लोग के पास नहीं आए, हम लोग के दुकान पे नहीं आए। दुकान पे आपके पास नहीं? नहीं आए। आप लोग नहीं बंद कर रहे? नहीं, बंद करेंगे, सब बंद करेगा, हम लोग भी कर देंगे। कितना असर लग रहा है बंदी? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत असर आएगा। अभी तो कोई अनुमान नहीं लग रहा है, अभी कोई असर नहीं है। क्यों? जैसे बाकी सब जो करेंगे वो हम लोग भी कर देंगे, बंद करने का आएगा तो हम लोग बंद करेंगे, क्यों इसमें सबका फायदा है। ये होटल वाले थे और ये कुछ यात्रीगण मेरे ख्याल से हैं, आप यात्री हैं आप? जी, क्या देवघर से आया हुआ हूँ। देवघर से? जी। क्या कहना चाह रहे हैं? आज बंदी है तो मैंने तो बंदी का कोई असर नहीं देखा, हेमंत सरकार तो बढ़िया से चल रही है, इसीलिए ये बंदी का कहीं कुछ नहीं है। सरकार
बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है, इसीलिए बंदी होने की संभावना ही नहीं है। इंडिया में सबको समान अधिकार है, साठ यहाँ बाहर के आदमी बसे हुए हैं झारखंड में, तो उनको भी हक मिलना चाहिए। और 60-40 जो किए हैं हेमंत सरकार ने, बहुत अच्छा काम किए हैं, ताकि सभी लोगों को संविधान की धारा 60 का उल्लंघन नहीं हो सके, इसीलिए वो अच्छा काम किए हैं। देवघर से आया हूँ, मेरा नाम विजय दास है। बहुत असर है सर, हम लोग डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, बंद हो जाएगा तो हम लोग कैसे रोजी रोटी चलेगा। अभी बंद कराने आए हुए थे जी, क्या लगा बोले आपको भी? हमको तो कुछ नहीं बोले सर, नहीं बस वाले टेम्पू वाले लोग को बोले लोग, आप लोग नहीं, हम लोग कुछ नहीं बोले, नहीं जी नहीं बोले कुछ नहीं, तो क्या करें, हम तो यहीं से हैं, रांची से। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।